इसराइल और हमास के बीच शनिवार सुबह से युद्ध जारी है। युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के करीब 1000 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में अमेरिका और नेपाल सहित अन्य देशों के नागरिक भी शामिल हैं। वहीं इस हादसे पर लोगों के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो खुले तौर पर इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स भी अपना रिएक्शन सोशल मीडिया पर दे रहे हैं और इसी बीच एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इस जंग पर अपनी राय रखी है। हाल ही में स्वरा भास्कर ने फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चल रही लड़ाई पर अपना रिएक्शन देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और इसमें लिखा, अगर आपको तब शॉक नहीं लगा जब इसराइल ने फिलिस्तीन पर अटैक किया, जब इसराइलियों ने फिलिस्तीन के लोगों के घर तबाह किए और जबरदस्ती छीन लिए, फिलिस्तीन के बच्चे और टीनेजर्स को नहीं बख्शा, करीब 10 सालों तक लगातार गाजा पर अटैक किया और बमबारी की, तो मुझे इसराइल पर हुए अटैक पर शोक मना रहे लोगों का ये कृत पाखंड भरा लग रहा है। और इतना ही नहीं, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने इंस्टा स्टोरी पर कई सारे लोगों के पोस्ट भी शेयर किए। वहीं इन दोनों देशों के बीच चल रही जंग के बीच नुसरत भरूचा भी बुरी तरीके से फंस गई थी, लेकिन आखिरकार उनकी भारत वापसी हो चुकी है। इसके अलावा कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर हमले की निंदा करते हुए लिखा, ऐसा असंभव है कि सोशल मीडिया के जरिए इजरायली महिलाओं की तस्वीरों को देखकर परेशान ना हो और डर ना लगे, यहाँ तक कि उनकी लाशों के साथ रेप किया जा रहा है और आतंकवादी उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। एक इजरायली महिला सैनिक की लाश को ट्रक में घुमाए जाने के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कंगना रनौत ने कहा, इसने मुझे लाखों टुकड़ों में तोड़ दिया। मेरा दिल इजरायल और उसकी लड़कियों और महिलाओं के लिए है। हर शहीद सम्मानजनक मौत का हकदार है। हॉलीवुड भी इस हमले को देखकर काफी ज्यादा हैरान है और इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। वंडर वुमन एक्ट्रेस गैल गोडेट ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की और लिखा, मैं इसराइल के साथ हूँ। इसके अलावा भी तमाम बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड स्टार्स अपने रिएक्शन सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं।